हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपके अभी लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो ये हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बाद में देख सकते हो इसको। देखिए, तो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था, ये कोई भी क्लॉक है, क्लॉक में जो रियल टाइम होगा और उसका मिरर में जो टाइम देखेंगे, उन दोनों का सम ऑलवेज 12 होता है। ठीक है, मतलब ये है मिरर के लिए, किसके लिए? मिरर के लिए रियल टाइम प्लस मिरर में जो टाइम दिखेगा इमेजिनरी वाला, उन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 12। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूं, 11:60। अगर यहां से 1 घंटा इधर ले लूं तो 60 मिनट हो जाएंगे, 11:60 लिख सकता हूं। ठीक है, वाटर के लिए अगर निकालूं मैं, वाटर के लिए जो रियल टाइम होगा प्लस इमेजिनरी टाइम होगा, जो उन दोनों का सम कितना होता? तो आप कह दो सर 18:30, या 1 घंटा इधर ले जाऊं 17:90। ठीक है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट इधर पहुंच जाएंगे, तो 17:90 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इससे एक कम, क्योंकि आप जानते हो वाटर में कभी भी एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती, हमेशा अनुमानित होती है। क्लियर है? यहां पे मिरर में एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट वाटर में वो आंसर जो है उसे एक कम आंसर लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, ये वाली बात मैं लास्ट क्लास में आपको बताई थी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मेरा इमेज वाला। इस पूरे चैप्टर में आपको पहली क्लास में आप बताया था, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला इमेज वाला, दूसरा एंगल वाला, तीसरा टाइम वाला, चौथा एरर वाला। ठीक है, देखिए आज दूसरी टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले हमारी जाके पहली क्लास लीजिए। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्लास के बारे में नया क्या है। नया ये है, जैसे मैं आपसे बोलूं सेकंड की सुई, इसको और क्या बोल सकते हैं? सेकंड हैंड्स। सेकंड की सुई 1 मिनट में, कितने टाइम में? मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1 मिनट में कितना कितनी चलेगी? तो आप कह दोगे सर 1 मिनट, पूरा एक चक्कर लगाई थी, एक चक्कर पूरा सर्कल का कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो आप कह दोगे 360 डिग्री पर मिनट। क्लियर है? ये किसके बारे में बात हो रही है? सेकंड की सुई के बारे में। अब मैं बात करूं मिनट की सुई, मिनट हैंड्स है ना, मिनट की सुई 60 मिनट में, या मैं इसे ऐसे ले सकता हूं 1 घंटे में, 1 घंटे में, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख दो 60 मिनट, 60 मिनट्स में, मिनट में कितनी चलेगी? तो आपको याद रखना है, आप जानते हैं 1 घंटे में मिनट वाली सुई भी एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है, तो आप कह दोगे सर 360 डिग्री। लेकिन मैं पर मिनट अगर निकालूं, तो अगर मैं यहां पे दूसरे शब्दों में ऐसे कहूं, मिनट की सुई, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, मिनट की सुई 1 मिनट में, पर मिनट अगर निकालूं 1 मिनट में, कितनी चलेगी? तो आप कह दोगे सर 360 अपॉन, ये 60 है ना, पर मिनट निकालना, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना? 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर है? दो बातें हो गई। आगे देखिए,
तीसरा पॉइंट है आपका घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में तो कह दो सर 12 घंटे में कितनी चलेगी। तो 12 घंटे में आप जानते हो जो आवर की सुई होती है वो एक सर्कल कंप्लीट पूरा कर लेती है ना, कितना चलेगी कह दो सर 360 डिग्री। अभी मैं आपसे बोलूं एक घंटे में कितना चलेगी, घंटे की सुई एक घंटे में निकालोगे कितना हो जाएगा सर 360/12, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 12 से डिवाइड करो 30 डिग्री आ गया, ये पर घंटे आ गई। क्या आ गई? पर घंटे। क्लियर है? अभी मैं आपसे बोलूं घंटे की सुई एक मिनट में, कितने टाइम में, एक मिनट में, दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट में कितना चलेगी, तो सर आप कह दोगे क्या एक मिनट में कितना चलेगी, तो आप कह दोगे अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप जानते हो 60 से डिवाइड करोगे तो 30/60, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, रिजल्ट समझ में आया, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो समझ में क्या आया अब तक? अब तक आपको समझ में ये आया कि सर सेकंड वाली सुई की जो स्पीड होती है वो 360 डिग्री पर मिनट होती है। ठीक है, मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है, और आवर वाली जो सुई होती है उसकी पर मिनट स्पीड कितनी होती, तो आप कमेंट करके बताओगे सर 1/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर है? तीनों आपको एक सेकंड में याद रहने चाहिए, जितनी बड़ी सुई उसका उतना एंगल ज्यादा, जितनी छोटी सुई उसका एंगल उतना कम। क्लियर है? आगे चलें, समझ में आ रहा है कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, इतना नोट कर लेना, तीन बातें समझ में आ गई होंगी, एक ये दो और ये लास्ट वाले तीन। ठीक है, आगे देखोगे जब आप क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अगर हम देखिए, वो कह रहा है यदि किसी घड़ी में दोनों सुइयां 3 मिनट के अंतर पर हैं, कितने पे 3 मिनट के अंतर पर हों, तो उनके बीच का कोण बताओ। तो आप जानते हो ये 3 मिनट का डिफरेंस दे रहा है, और 3 मिनट लिख लिया, आप जानते हो मिनट की सुई के बारे में बात कर रहा है, तो मिनट की सुई एक मिनट में 1 मिनट में चलती है कितना 6 डिग्री पर मिनट, और टाइम कितना दे रहा है 3 मिनट, इसीलिए मिनट की सुई 3 मिनट में चलती है, कितने चलेगी फिर 6 डिग्री × 3, तो आप कह दो सर 18 डिग्री 18 डिग्री, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? कोई भी डाउट होता कमेंट करके छोड़ सकते हो आप हमें, है ना, समझ में आ रहा है? आगे चलें, आगे आप देखोगे प्रातः 4 से 5 बजे के बीच लगभग किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी, ये आपकी दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, अभी कराएंगे आगे हम। ठीक है, टाइम निकालने वाला है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ भी आप, आगे देखो, ये देखिए फ्रॉम 2 PM to 4 PM दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी और मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। फर्स्ट वाला है घंटे वाली सुई, क्या है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई दूरी तय करेगी
कितनी हाफ डिग्री इनटू टाइम कितना दे रहा है, अब देखोगे दो से चार दे रहा है, दो से चार टाइम दे रहा है, दो से चार, तो आप जानते दो से चार के बीच में दो घंटे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं दो घंटे, और दो घंटे को अगर मिनट बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 2 into 60 तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। क्लियर है, टाइम दे रहा है दो से चार मतलब दो घंटे हो गए, दो घंटे मतलब क्या होता है 2 into 60 120 मिनट हो गए। अब वो कह रहा है घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगी, तो आप जानते हो देखिए तो 120 मिनट होंगे टोटल आपके पास। पहला क्वेश्चन घंटे वाली सुई दूरी तय करेगी कितना, हाफ डिग्री इनटू 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड वाला पार्ट है वो आपसे कह रहा है मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो आप लिख दोगे मिनट वाली सुई दूरी तय करेगी कितनी करेगी, सर आप जानते हो पर मिनट 6 डिग्री करती है कवर, तो 6 डिग्री इंटू टाइम कितना दे रहा है 120 मिनट, तो इन दोनों मल्टीप्लाई जब करोगे कितना हो जाएगा 720 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है ना, लेकिन इनका आगे जाके यूज क्या है अभी धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें आपको। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे चलें फिर हम लोग। ठीक है, आगे आप देखोगे देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आप जानते हो 12 से 3:45 के बीच में घंटे कितने हो जाएंगे, तो कह दो सर 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, क्लियर है, अगर 3 घंटे जो 45 मिनट टाइम जो है उसको मैं मिनट में चेंज करना चाहूं, तो आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट हो गए, 180 और 45 जोड़ोगे तो टोटल आपका हो जाएगा 225, 225 मिनट। क्लियर है, समझ में आ गई साहब। आगे आप देखो घंटे की सुई के बारे में बात कर रहा, किसके बारे में, घंटे की सुई, तो जानते हो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, घंटे की सुई प्रति मिनट दूरी तय करती है कितनी, हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है 225 मिनट में बताना आपको कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप लिख दोगे इसीलिए 225 मिनट में दूरी तय करेगी, दूरी तय होगी कितनी होगी सर, तो आप लिख दोगे हाफ डिग्री इंटू 225, तो दो का इसमें डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 112.5 डिग्री। क्लियर है,
तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? बताइए कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? देखिए वो कह रहा है किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहां से आपकी सेकंड टाइप स्टार्ट होती है, मेनली सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप के लिए जब कहीं भी एंगल निकालने के लिए कहा जाए या दो सुइयों के बीच में एंगल और उनका टाइम, ठीक है, एंगल देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो एंगल पूछेगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, है ना। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो जो फॉर्मूला है सबसे क्लॉक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एम बराबर 2/11 T1 इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करता हूं तो जो एम है, एम का मतलब होता है यहां पे मिनट, ठीक है, जो भी टाइम पूछे उसको मिनट का पूछेगा एग्जैक्ट, ये मिनट है, ठीक है। T1 जो है, T1 क्या है, कम वाला समय, या कह सकते हैं पहला वाला घंटा या पहला वाला समय, पहला वाला समय जो कम है, क्या है, जो कम होता है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा को मैं दूसरे शब्दों में T2 भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, T2, ये होता है बाद वाला समय, कौन सा वाला, बाद वाला, या कह सकता हूं ज्यादा वाला। क्लियर है? और कुछ बचा है आपके हाथों से? मैं तीन सारी चीजें देखो, कहीं कहीं दूसरे टीचर जो कराते हैं इस पूरी वैल्यू को वो A1 लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 लिख देते हैं और इस वाली चीज को A2 लिख देते हैं। क्लियर है? तो फॉर्मूला उनका निकल के आता है एम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है? आगे अब देखोगे, अब बात करते हैं सर प्लस माइनस क्यों आया। तो प्लस माइनस देखो क्या होता है, दरअसल कोई भी घड़ी है, सपोज करो कोई भी ये घड़ी है, मान लो यहां 12, 3, 6, 9, ये 7। तो देखो जो घड़ी है, मान लो ये अभी एंगल बनना है, सपोज करो ये वाला, हमेशा दो तरह से एंगल बनते हैं घड़ी में, दो एंगल बनते हैं साथ में, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। मान लो ये वाला एंगल बन रहा है, 7 बज रहे हैं घड़ी में, कितने बज रहे हैं अभी, 7 बज रहे हैं मान लो, तो ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये जो सुई है मिनट वाली, एक बार तो देखो ऐसे घूम के आएगी, इधर एंगल कोई बनाएगी, मान लो एक बार यहां पर आ गई तो ये एंगल बना रही है, और एक बार क्या होगी इसको ओवरलैप करने के बाद इधर एंगल बनाएगी। मतलब ये कोई भी जो घंटा होता है उस घंटे में जो मिनट की सुई होती है वो दो एंगल बनाती है, एक ओवरलैप करने से पहले उस सुई को, घंटे की सुई को ओवरलैप करने से पहले, और एक घंटा बनता है क्या, मतलब दो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है ओवरलैप करने से पहले और दूसरा एंगल कब बनता है, ओवरलैप करने के बाद, ठीक है। तो पहले जब एंगल होगा, मतलब ओवरलैप करने से पहले, तो हम निगेटिव यूज करेंगे, दूसरे वाले के लिए चूंकि यहां से ये दूर, यहां से यहां पे आगे बढ़ गई तो प्लस यूज करेंगे। क्लियर है? प्लस माइनस कुछ नहीं होता, सिर्फ एंगल को दिखाता है, माइनस मतलब पहले वाला एंगल, प्लस मतलब दूसरा वाला एंगल। क्लियर है? आगे देखिए, तो प्लस कब लेंगे, जब दूसरे वाले एंगल की बात करेगा ओवरलैप करने के बाद, और माइनस कब लेंगे, पहले, ठीक है, समझ में आ गया। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूं, एम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। बात एक ही, आपको एक ही याद रखना है, ये वाला सब इसी से निकल के आए, कहीं कहीं वो क्या करता है A2 पूछ लेता है, या फिर ये थीटा, यही तो थीटा A2 है, तो थीटा डायरेक्ट निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह दो वैसे 60H,
इलेवन एम अपॉन टू। ये जो लिखा है इसका मतलब ये जो भी डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो लिखना है। डिफरेंस आप समझ सकते हो 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ अंतर निकालने की बात कर रहा हूं है ना, ये 40 माइनस 20 तब भी 20 होगा। यहां पे इस बात का मतलब यहां माइनस नहीं लेंगे, क्लॉक वाले हमेशा डिफरेंस के लिए याद रखना, ये जो सिंबल है इसका मतलब ये है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आपको घटानी है। अब वो नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेनी सारे केसों में, ठीक है। मतलब हम नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। तो थीटा बराबर 60h माइनस 11 अपॉन 2, कभी कभी ये इधर भी आ सकता है। तो कुछ नहीं, आप सर इतना फॉर्मूला याद रखना ये वाला, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब भाड़ में जाने दो। आगे देखो ये कह रहा है, ठीक है, देखिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करें। वो कह रहा है 5:10, तो ये क्या दे रहा है एम की वैल्यू, ये क्या दे रहा है टी की वैल्यू, टी वन। क्या बताना है डिग्री, कोण बताना, क्या पूछा है थीटा आपसे पूछा है, क्लियर है। वैल्यू रख दें यहीं पे, वैल्यू रखोगे एम की वैल्यू 10 बराबर 2/11, टी वन कितना है 5/30 प्लस माइनस थीटा, क्लियर है। सॉल्व करेंगे 2 से ये 5 बार, ये इधर पहुंच गया कितना आ गया 55, कितना हो जाएगा 150 प्लस माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आऊं और इसको उधर ले आऊं, तो इसको इधर ले जाऊं कितना बचेगा 95 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। कोई भी डाउट हो छोटे छोटा बड़े से बड़ा आप कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। आगे चलें, इन वैल्यूओं को डायरेक्ट यहां भी रख सकते हो आप, इसमें इसमें बात ये आंसर एक ही आना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला सर यूज क्यों करा, ये तीनों फॉर्मूले एक ही है दरअसल, ठीक है। आगे चलें, देखिए किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप जानते हो पूछा क्या, 4 बज रहा है, ये क्या दे रहा है, आप जानते हो सर ये दे रहा है क्या, ये टी वन की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और एक चीज याद करना, टी वन तो है ही साथ में, ये इतना इतना टी वन कह सकते हैं, ये जो चीज है ये वाली, ये क्या है, ये एम है, क्या है एम है, मिनट की वैल्यू क्या है यहां पे 0 है। क्या पूछा है थीटा पूछा है, क्या पूछा है थीटा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है एम बराबर 2/11 टी वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, क्लियर है। अब देखो यहां पे जब ये एम की वैल्यू मिनट, जो भी टाइम है उसका मिनट में टाइम क्या है 0, तो यहां जब 0 लिख दोगे तो ये आप कुछ कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। टी वन की वैल्यू कितनी है, तो कह दोगे सर टी वन की वैल्यू है 4 × 30° प्लस माइनस थीटा, तो ये पूरा इंटू में इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है खत्म। ये कितना हो जाएगा 120, थीटा को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 120 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखो इतना तामझाम कर रहे हैं हम, इसे समझाने का कॉन्सेप्ट है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आप कुछ नहीं करना सर, एक इतनी सी बात याद रखनी। यहां पे देखो यूं भी कह सकते हो, ये फॉर्मूला जैसे था आपका एम बराबर 2/11 टी वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। देखो यहां पे जब एम की वैल्यू 0 हो जाए, वेन एम इक्वल टू 0 देन क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू खत्म, सिर्फ बचेगा थीटा इक्वल टू टी वन इंटू 30, सिर्फ फॉर्मूला इतना निकल के आ गया आपका, क्लियर है। कोई डाउट है ना, सिर्फ और सिर्फ जब कंप्लीट, मतलब आपका जो घंटे जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम हो, मिनट में ना हो, सिर्फ आवर में हो, किसमें हो आवर में, तो जो भी आवर दिए जाएंगे उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो इसका एंगल है। जैसे वो 4 बजे दे रहा है तो आपको सेकंड में याद आंसर करना है इसको, 4 बजे दे रहा है मतलब, समझ रहे हो, 4 में
30 का गुणा कर दें, आंसर कितना आ गया 120। खेल खत्म, 5 दे रहा हो तो 5 × 30 150 हो गया, 6 दे रहा हो तो 6 × 30 180 डिग्री हो गया, 7 दे रहा हो तो 7 × 30 210 डिग्री हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? आगे देखिए आप लोग, दे रहा किसी घड़ी में 6 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप जानते हो मैंने बताया था थीटा इक्वल टू T1 × 30 डिग्री, T1 की वैल्यू 6 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैथ वाले सर आया, गेट खोल के आता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना आप लोग। देखिए आगे है आपको, क्लियर है यहाँ तक? 20 नंबर है, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, क्या m = 2/11 T1 × 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? अब आप जानते हो T1 क्या लेना है, पहले वाला समय जो कम होता है। तो ये क्या है, ये T1 है, ठीक है, ये क्या है थीटा दे रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो m निकाल क्या बना, 45 कौन बनाते हैं, टाइम बताना आपको एग्जैक्ट, मतलब ये पूछ रहा है कब, कब का मतलब एग्जैक्ट आपको टाइम बताना है मिनट सहित। तो मिनट आपको निकालनी है, वैल्यू करोगे पुट, T1 की वैल्यू कितनी है 7 × 30 प्लस माइनस 45 डिग्री। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 2/11, देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 210 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री। यहां पर दो केस बन रहा है, प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लोगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लोगे। तो प्लस लेने पे क्या हो जाएगा, तो प्लस लेने पे हो जाएगा सर 255 डिग्री हो गया। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 510, और 510 में क्या करें 11 से भाग देंगे, जब आप कितना हो जाएगा 11 × 44, 7 × 11 = 66, 4/11, ठीक है। एक टाइम ये आ गया जिसको हम M1 कह देते हैं, क्या कहते हैं M1। M2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एक बार प्लस लिया है तो M1 बोल दिया हमने, और एक बार माइनस ले लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे M2। तो M2 के लिए क्या करोगे, M2 हो जाएगा सर 2/11 210 माइनस के 45। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे आगे 135 165 165 आ गया, ये हो गया 330/11, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये M2 है, M1 M2 कुछ नहीं होते, प्लस की वैल्यू एक बार ले लूंगा तो उसे M1 बोल दिया, माइनस की ले लूंगा तो M2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो टाइम आ रहे हैं आपके, एक ये मिनट में आ रहा है मिनट, और एक मिनट ये आ रहा है, तो दो टाइम आपको हो जाएंगे क्या, एक बन जाएगा आपका 7:46 और ये 4/11 एक्स्ट्रा है, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 7:30। ये भी सही है, ये भी सही है, ये ओवरलैप करने से पहले, ये ओवरलैप करने के बाद का टाइम है, ठीक है। जो सुई होती है वो पर घंटे 2 बार एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये पहले वाला एंगल, ये दूसरा वाला एंगल, देखो ये ऑप्शन भी सही है और आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर नीचे डी ऑप्शन में क्या है कि ए और सी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन मारोगे आप, ठीक है। यहाँ पर गलती क्या होती है, लोग इसको कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बट दोनों आंसर सही हैं इसके, डी ऑप्शन सही है आपका। क्लियर है? आगे देखिए आप, 21 नंबर है, 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का एंगल बनाती हैं? तो जान दो पहली बार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहली बार, तो पहली बार के लिए हमेशा मैंने बताया, मतलब ये कह रहा है ओवरलैप करने से पहले, तो ओवरलैप करने से पहले हमेशा निगेटिव साइन यूज करना है, और ओवरलैप करने के बाद पॉजिटिव साइन यूज करना है। तो देखोगे T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है 5, एंगल की वैल्यू क्या है, ये थीटा की वैल्यू है,
फॉर्मूला आप जानते ही हो, एम बराबर कितना है 2/11 टी वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे सर प्लस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस वाला लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है क्या पहले ओवरलैप करने से पहले पहली बार। तो वैल्यू रिप्लेस करोगे, टी वन की वैल्यू 5 है इंटू 30 माइनस के थीटा मतलब 95 डिग्री। सॉल्व जब हम करें इसको 150 माइनस 95 तो कितना हो जाएगा 55, और 55 का 2 में गुणा करो तो 110, और 110 में 10 से क्या करो भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10 मिनट आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, आपका टाइम हो जाएगा 5 तो थे ही और 10 मिनट ये आ गई, तो 5:10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट? पहली बार कह रहा है इसीलिए हमने क्या करा माइनस साइन यूज कर लिया है, कोई दिक्कत? आगे देखिए आप लोग, 22 नंबर है, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी टाइम कंप्लीट आवर में ना हो, कुछ मिनट साथ में जोड़ रहा हो, तो इसको इग्नोर मार देते हैं। इसको क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं। हम टाइम यहां पर लेंगे 5 और 6 बजे के बीच, क्या करेंगे 6 बजे के बीच सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, जब हम 5 से 6 के बीच में ले रहे हैं तो यहां पे ये चीज हमने क्या करी, 5 से 6 के बीच में लगी, तो यहां पे एक बार हम माइनस यूज करेंगे, यहां पे दोनों एक साथ लेके चलेंगे, दोनों एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम हमने 5 बजे से ले रहे हैं, है ना। देखिए, देखो अगर आप दोनों लेके चलते हो तब भी गलत नहीं है चीजें, क्योंकि एक टाइम आपको पहले वाला होगा, दूसरा वाला टाइम आएगा वो बाद वाला होगा, और जो ऑप्शन पूछ रहा है पहले वाला टाइम तो पहले वाला लिख लो, दूसरा वाला पूछा तो दूसरा वाला लिख लो, है ना, आइडिया लग जाए आपको। देखोगे जब आप, है ना, तो ये टी वन की वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, ये टी वन मान लेते हैं, थीटा कितना दे रहा है 70 डिग्री। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है एम बराबर 2/11 टी वन इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो एम निकालना है आपको, 2/11 टी वन की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा कितना है 70। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया है 150। तो देखो एक बार प्लस ले लें, तो प्लस ले लें तो मान लो उसको मैंने एम वन नाम दे दिया, तो एम वन कितना हो जाएगा, प्लस ले गए जब आप तो 150 और 70 कितना हो जाएगा 220, और ये कितना कटेगा 20 बार, 11 × 2 = 20 × 40, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, नहीं आएगा ओनली 40 आ जाएगा, ये एम वन हो गया। एम टू निकालने के लिए क्या करोगे, जब आप एक बार क्या करा, हमने प्लस लिया था, माइनस कर दें इसको, तो जो हो जाएगा 2/11 150 और 70 घटाओ कितना बचेगा 80, बताइए साहब। ठीक है, 80 हो गया, सॉल्व करोगे तो ये 160/11 11 × 11 कितना हो जाए 5 × 11 = 44। देखो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा हमने, तो 160 हो गया, 160 11 से भाग दोगे जब आप, तो 11 × 11 = 5 11 × 44 कितना आ जाएगा 6/11 ये आ गया टाइम। तो देखोगे आप, अब वो कह क्या रहा है आपका, वो कह रहा है पहली बार आपको बताना है। तो देखो यहां पे जो टाइम निकल के आएगा आपका एम वन बन जाएगा क्या, ये 40 आ रहा है तो आपका हो जाएगा 5:40, और दूसरा वाला टाइम क्या हो जाएगा एम टू, तो आप कह दोगे 5:14 × 6/11। अब एक चीज समझने वाली ये है, वो टाइम दरअसल पूछ के रहा था 5:30 और 6 के बीच पूछ रहा था, 5:30 और 6 के बीच, ये वाला जो टाइम है ये तो 5:15 बजे की बात हो रही है,
5:15 के लगभग हो गया, लेकिन हमें 5:30 बजे के बाद बताना है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 5:40 वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलें। आगे आप देखोगे ये वाला है, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट आगे। आगे कहीं भी शब्द यूज आता है तो उसके लिए आपको प्लस यूज करना है, पीछे शब्द आता है तो उसके लिए माइनस यूज करना है। 7 मिनट आगे का मतलब क्या है, आप जानते हो मिनट की सुई पर मिनट 6 डिग्री एंगल घूमती है, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। बस सवाल हो गया, ये हो गया क्या T1 और ये हो गया क्या थीटा, ठीक है। फॉर्मूला आपका होता है ये क्या, m बराबर 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। तो m बराबर पूछा है आपसे 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू 3 × 30 प्लस माइनस 42, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप लोग, कमेंट करके इसका आंसर बता देना, कर लोगे है ना, आसान है। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 बजे कब मिनट की सुई, 4 मिनट पीछे, पीछे के लिए माइनस यूज करना है, तो पिछले वाले सवाल में याद रखना ये वाला, आगे कह रहा तो सिर्फ प्लस ही प्लस यूज करेंगे, माइनस वाले यहां पे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है, दोनों नहीं लेंगे। अगले में क्या है, पीछे दे रहा है तो फॉर्मूला सिर्फ कौन सा यूज करोगे, एम बराबर 2/11 T1 × 30, यहां यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ थीटा, माइनस वाला, क्यों पीछे दे रहा है, 4 मिनट पीछे, इस बात का मतलब क्या है, थीटा बराबर 4 × 6 = 24 डिग्री, ठीक है। रख के वैल्यू देख सकते हो आप, m बराबर 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है 3 × 30, ठीक है, माइनस के थीटा कितना है 24। सॉल्व करोगे जब आप इसको, 2/11 ये 90 हो गया, 90 में से 24 का कितना बचेगा, 66 डिग्री है ना, तो हो जाएगा 66 और 11 से कट गया 6 बार, कितना आ गया 12, तो आपका टाइम हो जाएगा 3 बजे ये गया, मिनट एग्जैक्ट कितने आगे 3:12, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे आप देखोगे 25 नंबर है, 12 और 1 के बीच, सॉरी एक मिनट अभी कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 12 और 1 के बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्या है थीटा है, ये क्या है T1 है, ठीक है। फॉर्मूला आप यूज करोगे, m बराबर 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। आप लोग कमेंट करके आंसर छोड़ देने से क्या आंसर है, ठीक है, मैथ की क्लास है, आप लोग लीजिए, ठीक है सर, थैंक यू।